जनपद संभल की चंदौसी में आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने वैलेंटाइन डे के विरोध में फव्वारा चौक पर पुतला फूंककर पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया। इस मौके पर युवा नगर अध्यक्ष अनुज वाषणे ने कहा कि वैलेंटाइन डे के नाम पर देश में अश्लीलता फैलाई जा रही है और हम सब इसका विरोध करते हैं। युवा प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रस्मों को अपनाकर अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। प्यार अपने घर वालों से, अपने माँ बाप और अपने देश से, अपने देश के सैनिकों से करना चाहिए, यही असल वैलेंटाइन डे है। जिलाध्यक्ष प्रेम ग्रोवर ने कहा कि 14 फरवरी को मनाया जाने वाला फुहड़ प्रोग्राम भारतीय संस्कृति से कहीं तक मेल नहीं खाता, युवा पीढ़ी भटक रही है। आज आप लोगों ने वैलेंटाइन डे का पुतला जलाया है, तो जलाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति के विपरीत दिशा में चलता है। वो पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है और हमारे देश में किसी भी पश्चिमी संस्कृति के आगमन की कोई जगह नहीं है। अगर हमें वैलेंटाइन डे मनाना है तो अपने देश के साथ, अपने देश के सैनिकों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ और परिवार के साथ मनाएं, ऐसा हम संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं पश्चिमी संस्कृति का। आज आपने जो पुतला फूंका है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ वैलेंटाइन डे के विरोध में आज पुतला फूंका है, क्योंकि वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारे देश की युवा पीढ़ी को बहकाया जा रहा है और इसके अलावा जो है ये पश्चिमी सभ्यता है, ये अंग्रेज़ों का जो है बनाने वाला एक त्यौहार है कि प्यार मोहब्बत अगर करी जाए तो अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों से, अपने देश से मोहब्बत करी जाए, ना कि सड़कों पे खड़े होके या रेस्टोरेंट पे खड़े होके लड़की लड़कियां जो है इस त्यौहार को, इस चीज़ को मनाया जा रहा है जो कि हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। इसके विरोध में आज अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने इसका पुतला जलाया।